एक शौहर को भी यह हक नहीं है कि अपनी अपनी बीवी पर हाथ भी उठाए, जबकि अपराध ठहराए वो गरीब ना उनको पीटो, लिटरली लिटरली पीटने की बात है, ऑर्डर है, हुक्म है। तो मेरा सवाल यह है कि कुरान की ये बातें, ये हुक्म क्या आज की तारीख में एप्लीकेबल है? लिविंग रिलेशन रखने वालों को, लिविंग रिलेशन आज की तारीख में एक आम सी बात है, क्योंकि दो इंसान हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों बाशऊर हैं, वो अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं एक ही जगह, वो अपनी मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी रहे, इंसान है, उनका राइट है। वो यहां पर किसी को उन पर जो है उंगली उठाकर उनको गलत कहने का तक हक नहीं है, मगर कुरान ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? लिविंग रिलेशन रखने वालों को बेदर्दी के साथ सबके सामने 100 कोड़े मारने का गैर इंसानी हुक्म कुरान देता है। या फिर मान लो कोई एक नॉन मुस्लिम है, वो इस्लाम होना, इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन वो जरा मामला गड़बड़ है, वो बोला नहीं यार, मैं पूरी तरह से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इस्लाम से, तो ऐसी सूरत में उसको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि ले भाई ये 10,000 रियाल ले ले, अब तू जो है इस्लाम कबूल कर ले यार, वो बोले नहीं यार नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये 50 ले ले, ये 1,00,000 ले ले, ये 5,00,000 ले ले, वो बोलेगा अच्छी बात ठीक है, 5,00,000 सऊदी रियाल मिल रहे, और क्या चाहिए, वो ठीक है मेरी जिंदगी चलती है सुकून से, मेरी पूरे जो है साथ मेरी जो है वो जो है नस्लें बैठ के खाएंगे, 5,00,000 सऊदी रियाल किसको बोले, आराम से जो है जिंदगी गुजरेगी, ले लिया। तो अब ये जो है ना, ये जो तरीका है, इसको कुरान में कहा गया मुअल्लफत कुलूबहुम, यानी तालीफ कुलूब, यानी दिलों को नरम करने, दिलों को पलटाने, इस्लाम की तरफ पलटाने का ये एक है, ये खटखंडा है। हम वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपका अपना एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिशियल चैनल पूरी तरह से शैडो बैन हो चुका है। लगभग 12,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद चैनल की रीच खत्म कर दी गई है। इसीलिए मैंने आप सबसे अपील की थी कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें। कुछ लोगों ने मेरी इस अपील पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, पर सिर्फ कुछ लोगों के ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस चैनल को डेड होने से बचाना चाहते हैं तो आप सबको 10-15 मिनट निकाल कर वीडियो को पूरा देखना ही होगा, लाइक और शेयर भी करना होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इस चैनल को डेड नहीं होने देंगे। अच्छा आप देखिए, वक्वलबुहुन्ना जो जहां ये लफ्ज आया है, इस पर हमारे मुतर्जिमीन, हमारे जो है जो ट्रांसलेटर्स हैं, उनमें एक नाम बहुत मशहूर है, वो इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं, बहुत बहुत पॉपुलर हैं। क्योंकि वो पॉपुलर क्यों हैं? इसलिए कि वो जो है जानबूझकर कुरान के एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है उसमें तहरीफ करते हैं, तहरीफ करप्शन करते हैं। कुरान का टेक्स्ट कुछ और होता है, इनको पता है कि अगर उस टेक्स्ट का एज इट इज ट्रांसलेशन अगर कर दिया जाए तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, उस टेक्स्ट में जो कुछ है वो जानबूझकर उसके माना बदल डालते हैं, जानबूझकर। तो अब जाहिर बात है कि ऐसे लोग मेरी नजर में, ऐसे लोग सचवाला की नजर में मुजरिम होते हैं, मुजरिम। मेरी नजर में अब्दुल्ला यूसुफ अली मुजरिम है, मुजरिम क्रिमिनल है, क्रिमिनल। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मुजरिम कहता हूं जो सच्चाई का साथ देने के बजाय झूठ का साथ देते हैं जानते बूझते। ऐसे लोग सचवारा की नजर में मुजरिम हैं। तो ये अब्दुल्ला यूसुफ अली मुजरिम, जैसे मुतर्जिमीन कहते हैं, ये वतुरिबुहुन्ना का जो है ट्रांसलेशन क्या करते हैं, बीट दम स्लाइटली, फूलों फूलों से मारो, बीट दम स्लाइटली, बहुत आराम से, ऐसा प्यार से, ऐसा मारो। ये इनका अब्दुल्ला यूसुफ अली का ट्रांसलेशन है। अच्छा आपको मालूम है ये अंदर से बड़े शर्मिंदा हैं। इनको पता है कि कुरान में बेशुमार ऐसे मवाक़े हैं जहां पर मुतर्जिमीन को, जहां पर मुफस्सिरीन को शर्मिंदगी होती है, इनको गिल्ट फील होता है, ये एहसास से जुर्म के तहत, मतलब ये इस एहसास तले दब जाते हैं, ये एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि भाई अगर ये लफ्ज को एज इट इज दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए तो फिर हम कहां रहे, हमारा ईमान कहां रहा, हमारा अल्लाह कहां है, हमारा रसूल कहां है, हमारी किताब कहां है, भी सारा मामला जो है धर्म भ्रम हो जाएगा। तो अब इसलिए क्या करो, इसमें जो है इसमें करप्शन करो, तहरीफ करो। युहर्रिफूनल कलिमा अम्मा वाज़िअहु, यानी देखें उनमें, मतलब यही तो तहरीफ यहूदी भी करते थे ना, लेकिन मुसलमान यहूदियों को जो है पीछे छोड़कर उनसे कई गुना आगे निकल गए तहरीफ के मामले में। युहर्रिफूनल कलिमा अम्मा वाज़िअहु के मामले में मुसलमान यहूदियों से कई गुना आगे हैं। तो जो है अब्दुल्ला यूसुफ अली जैसे मुजरिम का ये कहना है, बीट देम लाइटली। अच्छा अब जाहिर बात है, जो लोग मगरिब में रहते हैं, जो लोग यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अक्सर मगरबी ममालिक में शौहर अपनी बीवी पर अगर हाथ भी उठाएगा तो उसे जेल होनी है। क्या उस्मान भाई मैं गलत कह रहा हूं? जेल हो जाएगी ना। क्या किसी हस्बैंड को यह राइट है
यूरोप के किसी भी जो है मुल्क में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में कि एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाए उसको राइट है? राइट है, सवाल ही नहीं होता भाई। वो बीवी मान लो कुछ गलती, ठीक है गलती करी तो गलती की बात आप जबान से बोलो, अगर वाकई ऐसी गलती है जिस पर जो एक जुर्म कहलाए और जो है उसको सजा मिलनी चाहिए तो आपका या शौहर की जिम्मेदारी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ हम आपके उस्मान भाई, गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितने भी मुल्ला मौलवी चिल्लाते फिरते हैं कि इस्लाम में औरतों को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। इस्लाम में औरतों को आधी अक्ल वाला बताया गया है, मर्दों की खेती बताया गया है, औरतों को मारने पीटने की बात की गई है, औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा गया है। इस्लाम ने औरतों पर न जाने कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं। भाई अगर कोई जो है ऐसी गलती करता है तो काबिले गिरफ्त है, जाहिर बात है उसको पुलिस में इत्तला दे और जो है पुलिस उसका जो है फैसला करेगी। एक शौहर को भी ये हक नहीं है कि अपनी अपनी बीवी पर हाथ भी उठाए, जबकि कुरान कह रहा है वो गरीब हुन्ना उनको पीटो, लिटरली लिटरली पीटने की बात है, ऑर्डर है, हुक्म है। तो मेरा सवाल यह है कि कुरान की ये बातें ये हुक्म क्या आज की तारीख में एप्लीकेबल है? अच्छा और हम आगे चलते हैं, देखिए आज ये जो है तरीक़ेकार बहुत आम हो गया है यूरोप अमेरिका यानी वेस्टर्न कंट्रीज में तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी जो है दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक आम सी बात है, क्योंकि इंसान बाशऊर होने लगा है। यह अपनी मतलब उस इंसान की सवाबदी पर मुनहसर है कि वो अगर उसकी मर्जी है तो ठीक है, ऐसा रहे, नहीं मर्जी है तो जैसा उसके रहे, जैसे उसकी मर्जी। अब देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, लिविंग रिलेशन रखने वालों को, लिविंग रिलेशन आज की तारीख में एक आम सी बात है, क्योंकि दो इंसान हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों बाशऊर हैं, वो अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं एक ही जगह, वो अपनी मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी है, वो इंसान है, उनका राइट है भी वो। यहां पर किसी को उन पर जो है उंगली उठाकर उनको गलत कहने का तक हक नहीं है, मगर कुरान ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? लिविंग रिलेशन रखने वालों को बेदर्दी के साथ सबके सामने 100 कोड़े मारने का गैर इंसानी हुक्म कुरान देता है। कुरान कह रहा है अज़ानियत वज़ानी فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب آپ دیکھیے یعنی ایسے لیونگ ریلیشن رکھنے والوں کو قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے، وہ جو خاتون ہیں اس کو الزانیہ کہہ رہا ہے اور وہ جو مرد ہے اس کو الزانی کا جو ہے ٹائٹل دے رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما، یعنی ان دونوں میں سے ایک ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بهما رأفة، یعنی ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی محبت کوئی اپنائیت نہیں آنی چاہیے، کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ فی دین اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو تو۔ ولیشہد عذابہما، اور پھر جو ہے یہ جو 100 کوڑے لگانے والا جو معاملہ ہے، یہ جو عذاب ہے، اس عذاب کو پورے کے پورے مومنین اپنی آنکھوں سے برملا طور پر دیکھیں عبرت کے طور پر۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی سزائیں۔ اسلام ایک چادر کے بدلے متا کر کے عورتوں کو 2-3 دن رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جس طرح چکلے خانے میں کوئی بھی ویکتی پیسہ دے کر کچھ سمے کے لیے عورتوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یعنی اسلام نے پروسٹیٹیوشن کو لیگل کرنے کے لیے متا جیسی روایات شروع کی، پر کوئی بھی مرد اور عورت اپنی خوشی سے اگر ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان پر سزا نافذ کر دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سزائیں، کیا یہ سزائیں آج کے کی میری آواز جو ہے جی اچھا ٹھیک، تو یہ عذاب جو ہے مومنوں کی جماعت اپنی آنکھوں سے برملا طور پر دیکھے، یہ عذاب کھلم کھلا عذاب، جن کو 100 کوڑے لگانے والا عذاب، مومنوں کی جماعت کھلم کھلا، یوں سمجھیے کہ کسی بستی یا کسی شہر کسی سٹی کے چوک میں ایک جو ہے اسکوائر میں جہاں سب لوگ ہوں ان کے سامنے جو ہے یہ عذاب ان دونوں کو دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لیونگ ریلیشن میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ زانی اور زانیہ کہلاتے ہیں۔ قرآن اس طرح کا حکم دے رہا ہے، کیا اس طرح کے احکام قرآن کے آج اپلیکیبل ہے؟ سوال ہے۔ اچھا آپ دیکھیے قرآن ایک اور بات بھی کرتا ہے، وہ ہے منکرین اسلام کی تعریف قلوب، یعنی مقدس رشوت، یعنی ہولی برائب، ہولی برائب۔ اچھا یہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کا باقاعدہ حکم آتا ہے، صرف حکم نہیں بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فریضتم من اللہ، یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فریضہ ہے، تم کو یہ لازمن کرنا ہی کرنا ہے، فریضہ ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔
अल्लाह ने इस चीज को फर्ज करार दिया है। वो क्या है, ये देखें, कुछ लोग अगर इस्लाम की जो है कि इंकार कर रहे हैं, इस्लाम को नहीं मान रहे, कहते नहीं यार जो है मैं मेरा दिल नहीं मान रहा है कि इस्लाम को कबूल करना, यार इस्लाम में जरा मामला गड़बड़ दिख रही, मैं नहीं मानता, मेरा मैं जो है मैं इंकार की तरफ जो है झुक रहा हूं, मेरा दिल इंकार की तरफ माइल है, मैं इस्लाम को मान नहीं सक रहा। तो अब ऐसे लोगों को क्या करना है, होली ब्राइब देना है उनको, लेना कि ठीक है यार जो है तो इस तरह की बातें मत कर, ये ले ये 10,000 रियाल ले ले, ये 10,000 रियाल ले ले। वो कहेगा नहीं यार जो है मैं नहीं, अच्छा ये ठीक है 50,000 रियाल ले ले, नहीं यार मैं नहीं मान सकता, अच्छा 50 से भी बस काम नहीं चल रहा, ये 1,00,000 रियाल ले ले भाई, 1,00,000 सऊदी रियाल ले ले, और क्या चाहिए तेरे को, नहीं भाई नहीं मानता मैं, अच्छा ये 5,00,000 सऊदी रियाल ले ले। वो कहेगा अच्छी बात है ठीक है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद वो मुसलमान हैं और जो है मामला चल रहा है, ऐसी बात को कुरान क्या कह रहा है, वल मुअल्लफति कुलूबुहुम फिर रिकाबि वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि वबनि सबीलि फरीदतन मिन अल्लाह, जिस तरह से और दूसरे काम अल्लाह की तरफ से फरीदा कहलाते हैं, ये मुअल्लफति कुलूबुहुम भी फरीदा है अल्लाह की तरफ से, मुकद्दस रिश्वत। इस्लाम ने खुद को बचाने के लिए हर वक्त कंडे अपनाए हैं जो अपना सकता है। इस्लाम ने खुद को बचाने के लिए एक भाई को दूसरे भाई से कत्ल करने का आदेश दिया है। इस्लाम ने इंसानियत का सिर्फ खून करना ही सिखाया है जो मोमिन आज तक करते आ रहे हैं। डिवाइन ब्राइब है, डिवाइन ब्राइब, घूस क्या कहते हैं इसको, घूस कहते हैं ना, अब इसको जो है होली ब्राइब को क्या कहेंगे, बहुत ही जो है जी हमारे अब्दुल हमीद साहब, इसको पवित्र घूस कहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, पवित्र घूस ही बोलेंगे क्या? नहीं देखें कि जो एक आदमी जो है एक मुसलमान वो इस्लाम छोड़ने के करीब आ गया, वो बोल रहा है नहीं यार मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को, या फिर मान लो कोई एक नॉन मुस्लिम है वो इस्लाम होना इस्लाम कबूल करना चाहता था लेकिन वो जरा मामला गड़बड़ है, वो बोला नहीं यार मैं पूरी तरह से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा इस्लाम से, तो ऐसी सूरत में उसको मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ले भाई ये 10,000 रियाल ले ले, अब तू जो है इस्लाम कबूल कर ले यार, वो बोले नहीं यार नहीं नहीं नहीं, ये 50 ले ले, ये 1,00,000 ले ले, ये 5,00,000 ले ले, वो बोलेगा अच्छी बात है ठीक है 5,00,000 सऊदी रियाल मिल रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है मेरी जिंदगी चलती है सुकून से, मेरी पूरे जो है साथ मेरी जो है वो जो है नस्लें बैठ के खाएंगे, 5,00,000 सऊदी रियाल किसको बोले, आराम से जो है जिंदगी गुजरेगी, ले लिया। तो अब ये जो है ना, ये जो तरीका है, इसको कुरान में कहा गया मुअल्लफति कुलूबुहुम, यानी तालीफ कुलूब, यानी दिलों को नरम करने, दिलों को पलटाने, इस्लाम की तरफ पलटाने का ये एक जो है ये खतकंडा है, हरबा है, रिश्वत वही है। अब इसको जो है अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो क्या जो है इसको पवित्र घूस कहेंगे, क्या मैं ये पूछ रहा था, पवित्र घूस, अच्छा आपको मालूम है ये पवित्र घूस कुरान में फरीदतन मिन अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तरफ से फर्ज है, कुरान ने इसको इस अमल को अल्लाह का फर्ज कहता है। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है आज, तो देखा दोस्तों यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे, हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।